सुअल्प अपि वस्तुना संहति हि कार्य साधिका तृणानां गुणत्वं मापने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। Let's grow together। वर्षनी शुरुआत ज एवा मक्कम निर्धारथी करिए कि जेमा दरेक नो विकास संभव थाय। विश्वमा सूरत सहित समग्र दक्षिण गुजरात नी ओळख खास करीने टेक्सटाइल अने डायमंड उद्योग थकी छे। तेनी साथे साथे केमिकल्स, एक्वाकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर वगैरह उद्योगों ने पण वैश्विक फलक पर एक नवी ओळख आपवानी दिशामा प्रयासो शुरू कर्या। दक्षिण गुजरात ना उद्योगों ने पड़ती हालाकी ने दूर करवा राज्य तथा केंद्र सरकार ने रजूआतों नी साथे साथे योग्य सूचनो कर्या अने सरकार श्री तेमज विविध मंत्रालयों ना सहकार थी उद्योगों ने नड़ती मुश्किलियों नु निराकरण आवतु गयु। आ मुख्यत्वे रजूआतों ना सारांश अहीं रजू कर्या छे। वर्ष दरमियान विविध स्तरे कुल 113 रजूआतो करवामां आवी हती। करायेली अति महत्वनी अने असरकारक रजूआतो नवसारी खाते पीएम मित्रा पार्क अंतर्गत भविष्यमां लगभग रूपिया 15,000 करोड़ जेटला नवा रोकाणनी अने 50,000 जेटली नवी रोजगारीनी तको उभी थई। केंद्र सरकार द्वारा CGTMSE स्कीम हेठळ कोलेटरल फ्री लोन नी मर्यादा रूपिया 2 करोड़ थी वधारी रूपिया 5 करोड़ करवामां आवी। QCO ऑर्डर नो अशक्य एक्सटेंशन चेम्बर नी रजूआत ना कारणे शक्य बन्यो। राज्य सरकार मां इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी माटे चेम्बरे आ ड्राफ्ट ने अंतिम तबक्का सुधी पहुंचाड़वामां सफलता प्राप्त करी। गुजरात मां LT कनेक्शन नी मर्यादा 100 किलोवॉट थी 150 किलोवॉट नी सफल रजूआत तो GERC सप्लाई कोड अंतर्गत महत्वनो फेरफार कमिटी द्वारा मंजूर करावी लगभग ₹1,000 करोड़ बचावानो श्रेय चेम्बर नी रजूआत ने जाय छे। RBI द्वारा रेपो रेट अने रिवर्स रेपो रेट मां एप्रिल महीना थी MPC मीटिंग मां कोई पण जातनो रेपो रेट के रिवर्स रेपो रेट नो वधारो करवामां आव्यो नथी। केंद्र सरकार द्वारा चेम्बर नी मांग ने मंजूर करी EPCG एडवांस लाइसेंस एंड ऑथोराइजेशन हेठळ रेगुलराइज करवा माटे नी वन टाइम ऑप्शन वाली एमनेस्टी स्कीम लागू थई। पावर टैक्स स्कीम हेठळ सूरत ना उद्योगकारों नी करोड़ों रूपियानी सबसिडी माटे केंद्र सरकार पासे थी एडिशनल फंड ने मंजूर करावी टेक्सटाइल उद्योगकारों ने फायदो करावामां आव्यो। समग्र वर्ष दरमियान आ रीते सरकारी विभागों साथे असरकारक संकलन ने कारणे चेम्बर ऑफ कॉमर्स नो अवाज मोटो थयो। औद्योगिक प्रदर्शनो चेम्बर ऑफ कॉमर्स माटे एक्सिबिशन ए तेनी आर्थिक करोड़रज्जु नो खूब ज महत्वनो भाग छे। चेम्बर द्वारा हवे शहर राज्य अथवा राष्ट्रीय कक्षाए ज नहीं पण सूरत ना उद्योगकारों ने वैश्विक प्लेटफॉर्म पूरु पाड़वाना हेतु थी आंतरराष्ट्रीय कक्षाए विविध उद्योगों ना प्रदर्शनो थई रह्या छे। जुलाई 2022 मां विवनिट एक्सिबिशन योजायु हतु। आ एक्सिबिशन थी ₹150 करोड़ थी वधुनो बिजनेस जनरेट थयो तेमज समग्र इंडस्ट्री पर 5 वर्ष सुधीनो इकोनॉमिक इम्पेक्ट ₹915 करोड़ नो थशे ते आ एक्सिबिशन नी सफलता छे। ऑगस्ट 2022 दरमियान यान एक्सपो नो आयोजन करवामां आव्यु हतु। यान एक्सपो थकी वार्षिक ₹450 करोड़ नो बिजनेस जनरेट थयो अने आगामी 5 वर्ष मां तेनी समग्र इंडस्ट्री उपर ₹2700 करोड़ नी इकोनॉमिक इम्पेक्ट पड़े तेवी संभावना छे। साउथ गुजरात नी इंडस्ट्री ने आ एक्सिबिशन थी ढगला बंद ऑर्डर्स मळ्या हता। डिसेम्बर 2022 दरमियान इंडोर स्टेडियम खाते B2C स्पार्कल इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सिबिशन योजायु हतु। 8,000 करता वधारे विजिटर्स आ प्रदर्शननी मुलाकाते उपस्थित रह्या हता। जान्युआरी 2023 मां सीटेक्स सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2023 नो आयोजन करवामां आव्यु हतु। आ एक्सपो थकी आश्रे 800 करोड़ जेटलु कैपिटल इन्वेस्टमेंट थयु हतु जेनी आगामी 5 वर्षनी इकोनॉमी इम्पेक्ट ₹5,000 करोड़ थई शके छे। जान्युआरी 2023 मां बांग्लादेश खाते इंडिया टेक्सटाइल ट्रेड फेर नु प्रथम वखत आयोजन करवामां आव्यु हतु जेमां सूरत ना कापड़ उत्पादको तेमज मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स ने जबरदस्त प्रतिसाद मळ्यो हतो। बांग्लादेश ना गार्मेंट मेन्युफेक्चरर्स नी साथे पण तेओ सीधा संपर्क मां आव्या हता। फेब्रुआरी 2023 मां फूड एंड एग्रीटेक एक्सपो नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। B2B अने B2C मां सारामां सारो बिजनेस आ एक्सिबिशन थी जनरेट थयो हतो। मार्च 2023 मां सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड मशीनरी एक्सपो सिटमे नु आयोजन करवामां आव्यु हतु जेमां एक वर्ष मां एम्ब्रॉयडरी अने डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी मां आश्रे ₹474 करोड़ नु वधु रोकाण आवी शके छे तथा आगामी 5 वर्ष मां ₹3,000 करोड़ नी संभावित इकोनॉमिक इम्पेक्ट पड़ी शके तेवी संभावना छे। चेम्बर ना नेतृत्व हेठळ 62 जेटला टेक्सटाइल उद्योगकारों ना प्रतिनिधि मंडळे
इटली खाते योजायेला आंतरराष्ट्रीय एक्जिबिशन इटमा नी मुलाकात लीधी हती। भारत ना केंद्रीय टेक्सटाइल एंड रेलवे राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशे इटमा में हाजरी आपी उद्योगकारों ने संबोधन कर्यु हतु। सेमिनार, कॉन्क्लेव तथा अन्य कार्यक्रमों वर्ष दरमियान नवा इनोवेशन हेतु स्टार्टअप ने प्रोत्साहित करवा सरकार ने विविध योजनाओं विषय माहिती आपवा चेम्बर ना सभ्यों अने उद्योग साहसिकों ने अद्यतन टेक्नोलॉजी विषय अवगत करवा चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा विविध विषयों ने लईने कॉन्क्लेव सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस जागृति सत्रों परिसंवादों अने वेबिनार करवामां आव्या हता। एमएसएमई कॉन्क्लेव मां एमएससी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम मां चेम्बर नी रजूआत थकी जे बदलाव थयो छे तेना विषय उद्योगकारों ने विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। वुमन एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव मां राजस्थान ना ट्रेडिशनल हेन्डीक्राफ्ट मेन्युफेक्चरिंग बिजनेस मां श्रेष्ठता धरावनार तथा फैशन डिजाइनर सोशियल वर्कर अने मोटिवेटर एवा श्रीमती रूमा देवी ने रूबरू सांभळीने सूरत सहित दक्षिण गुजरात नी महिला साहसिकों ने गृह तेमज लघु उद्योग ने बिगर वे मां लई जवानी प्रेरणा मळी हती। स्टार्टअप संबंधित इंटरेक्टिव सेशन मां युवा उद्योग साहसिकों अने एंजल इन्वेस्टरों ने स्टार्टअप माटे महत्वना मापदंड विषय नी विस्तृत जानकारी अपाई हती। नेशनल एचआर कॉन्क्लेव मां ट्रेड एंड इंडस्ट्री नी एक्टिविटी मां हाईटेक थवानी जरूरियात थी उद्योग साहसिकों तेमज प्रोफेशनल्स ने अवगत करावामां आव्या हता। गार्मेंट कॉन्क्लेव मां निष्णांतोए आखा विश्व नो गार्मेंट इंडस्ट्री नो सेनारियो उद्योगकारों समक्ष रजू कर्यो हतो। आईपीओ प्रनोर्स कॉन्क्लेव एक अने बे मां निष्णांतोए उद्योगकारों ने आईपीओ लावा माटे महत्वना क्राइटेरिया विषय माहिती आपी हती। आगामी 5 वर्ष मां सूरत मांथी 200 थी वधु कंपनियों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग थशे अने ₹50,000 करोड़ नी वेल्यू क्रिएट थई शकशे। एसबीसी बिजनेस नेटवर्किंग कॉन्क्लेव मां नेटवर्किंग निष्णांतोए उद्योगकारों समक्ष घणी रसप्रद बाबतो मूकी हती। नेटवर्क इन नेटवर्थ छे। क्यारेक जीवन मां जे बाबत रूपिया थी नहीं थाय ए प्रेम थी अने नेटवर्किंग थी थई जाय छे ए बाबत नी समझण आपवामां आवी हती। एनवायरमेंट कॉन्क्लेव मां सस्टेनेबिलिटी सर्क्युलरिटी क्लाइमेट चेंज वगैरह मुद्दाओं ने आवरी लेवामां आव्या हता। हाल मां केंद्र सरकार अने राज्य सरकार पर्यावरण क्षेत्रे कया नवा नीति नियम लावी रही छे तेना विषे उद्योगकारों ने माहिती आपवामां आवी हती। आईटी कॉन्क्लेव मां एग्री बेस ड्रोन बेस अने स्पेस बेस स्टार्टअप माटे इसरो तरफथी शुं मदद मळी शके तेना विषे विस्तृत जानकारी आईटी क्षेत्र साथे संकळायेला उद्योग साहसिकों ने आपवामां आवी हती। टूरिज्म कॉन्क्लेव मां निष्णांतों द्वारा उद्योग साहसिकों समक्ष टूरिज्म क्षेत्रे रहेली तको मुकवामां आवी हती अने टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करी शके तेना विषे माहिती आपवामां आवी हती। देश दुनिया माटे प्रेरणा बनी गयेला महानुभावोने पण चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आमंत्रित करवामां आव्या हता। 30 वर्षमां आखू जंगल उभू करी देनारा ओरिस्साना फॉरेस्टमैन पद्मश्री डॉक्टर जादव पायंग मोलाईनी साथे इंटरेक्टिव सेशन राखवामां आव्यु हतु। सूरतना टेबल टेनिसमां कॉमनवेल्थ गेम्सना गोल्ड मेडालिस्ट श्री हरमित देसाईने आमंत्रित करी इंटरेक्टिव सेशन योजायु हतु जेमां तेमना थकी युवा खिलाड़ियों ने रमत गमत क्षेत्रे आगळ वधवा बळ पूरु पाडवामां आव्यु हतु। हमेशा पोताना पेशन ने ओळखीने तेने पूर्ण करवानी दिशामां मंडी पड़वु जोईए अने पेशन मुजब कार्य करशो तो चोक्कसपणे सफळता मळशे एवु कहेनार मोटिवेशनल स्पीकर स्पर्श शाह ने पण आमंत्रित कराया हता। तदुपरांत एचआर संबंधित विविध कार्यक्रमों तथा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट अंतर्गत मूवी बेस्ड कार्यक्रमों योजाया हता। भगवत गीता मैनेजमेंट नी श्रेष्ठ मार्गदर्शिका गीता पंचामृत श्रेणी नु आयोजन करवामां आव्यु हतु जेमां भगवान श्री कृष्ण अने अर्जुन वच्चे थयेला संवादों ना विविध दाखलाओ थी बिजनेस मैनेजमेंट नी रसप्रद जानकारी आपवामां आवी हती। उद्योग साहसिकों नी सक्सेस स्टोरी युवाओ सुधी पहोंचाडवा विविध कार्यक्रमों करवामां आव्या हता जेमां आईटी प्रिनोर फूड प्रिनोर वगैरह नो समावेश थाय छे। धोरण 12 पछी शुं विषय पर 8 दिवस सुधी कारकिर्दी मार्गदर्शन महोत्सव योजायो हतो जेमां जुदी जुदी यूनिवर्सिटी ना प्रोफेसरो द्वारा विद्यार्थियों तथा वालियों ने मार्गदर्शन आपवामां आव्यु हतु। औद्योगिक एसोसिएशन नो उद्योग साहसिकों अने प्रोफेशनल वच्चे बॉन्डिंग वधे सारू बिजनेस नेटवर्किंग थाय ते हेतु थी SGCCI प्रीमियर लीग ओपन बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट नु आ वर्षे चेम्बर द्वारा आयोजन करवामां आव्यु हतु। सिग्नेचर क्लब मां चेम्बर ना प्लेटिनियम गोल्ड अने प्रीमियम सभ्यो तथा सूरत ना उद्योगकारो अने अमेरिका स्थित एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन नो डेलिगेशन साथे B2B इंटरेक्टिव बिजनेस मीट नु आयोजन करायु हतु। भारत ना केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी साथे परिसंवाद योजायो हतो। आ उपरांत सूरत ना जानीता चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रदीप सिंघी ना सहयोग थी नेटवर्किंग विथ फन म्यूजिक एंड डिनर नो कार्यक्रम योजायो हतो। देश गुजरात नी सांस्कृतिक परंपरा नी उजवणी ना भाग रूपे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों नु आयोजन करवामां आवे छे। विघ्नहर्ता गणेश जी नी स्थापना थी लईने मां अंबानी भक्तिभाव पूर्वक उजवणी ना भाग रूपे नवरात्रि महोत्सव उजवाई छे। स्वातंत्र्य पर्व तेमज प्रजासत्ताक दिवस नी धामधूम थी उजवणी करवामां आवे छे।
આ ઉપરાંત હોળી ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી સાથે સાથે આ વર્ષે ગ્રુપ ચેરમેનનો તથા વિવિધ કમિટીના સભ્યોનો સન્માન સમારોહ તથા મનોરંજક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ ઉપરાંત હેલ્થ ચેકઅપ, ટ્રાફિક અવેરનેસ, કેપિટલ માર્કેટ, બજેટ, બાયોટેક, એક્સપોર્ટ પ્રમોશન, જીએસટી, ઇન્કમ ટેક્સ, બેન્કિંગ, બુલિયન, લેબર લો, રેલવે, કેમિકલ ડાઈઝ, ગવર્મેન્ટ સ્કીમ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સ્પોર્ટ્સ, એનઆરજી, બાયોટેકનોલોજી, વૃક્ષારોપણ, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ગ્રુપ ચેરમેનો તથા 100 થી વધુ વિવિધ કમિટીના સહયોગથી વર્ષ દરમિયાન 12 કોન્કલેવ સહિત કુલ 250 જેટલા કાર્યક્રમો સફળતાપૂર્વક યોજાયા, જેમાં 25,000 થી વધુ લોકોએ આ કાર્યક્રમોનો લાભ લીધો અને વર્ષ દરમિયાન કુલ 7 એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 1,00,000 થી વધુ લોકોએ મુલાકાત લીધી. વિવિધ કોર્સેસ, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઉદ્યોગ સાહસિકોને પાવર લૂમ્સથી લઈને પ્રોસેસિંગ યુનિટ સુધીના સમગ્ર વેલ્યુ એડિશન ચેઇનના ગ્રાઉન્ડ લેવલનું જ્ઞાન મળી રહે તે હેતુથી ચેમ્બર દ્વારા એરજેટ વિવિંગ, રેપર વિવિંગ, ફેબ્રિક આઇડેન્ટિફિકેશન, મોડર્ન યાર્ન પ્રિપેરેટરી, ફેબ્રિક પ્રોસેસિંગ, નો ધ ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ તેમજ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ મેનેજમેન્ટ સર્ટિફિકેટ એન્ડ ડિપ્લોમા અને ડિજિટલ માર્કેટિંગ એન્ડ ઈ કોમર્સ સર્ટિફિકેટ કોર્સેસ SGCCI એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યા હતા. ચેમ્બરની અન્ય મહત્વની આનુષાંગિક પ્રવૃત્તિઓ. ચેમ્બરમાં દર વર્ષે ગોલ્ડન જુબલી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ વર્ષે યોજાયેલા એવોર્ડ સમારોહમાં કુલ 15 કેટેગરીમાં યોગ્ય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાનોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. દક્ષિણ ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોને વૈશ્વિક કક્ષાએ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બદલાતા નવા ટ્રેન્ડ વિશે માહિતગાર કરવાના હેતુથી ગ્લોબલ ફેબ્રિક રિસોર્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા ટેક્સટાઇલ વીકના 8મા એડિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ નિષ્ણાંતોને આમંત્રિત કરી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાહસિકોને નવા ટ્રેન્ડ વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા. નવી મશીનરીઓ વિશે તેમજ મેન્યુફેક્ચરિંગ, પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ વિશે માહિતગાર થઈ શકે તે હેતુથી ચેમ્બરની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ કમિટીના નેજા હેઠળ વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટૂર્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ચેમ્બરની SBC કમિટી દ્વારા ઉદ્યોગ સાહસિકોને નેટવર્કિંગ દ્વારા બિઝનેસ ગ્રોથ કરવાનું શ્રેષ્ઠ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું, જેમાં આ વર્ષે SBC ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગ અને SBC મોર્નિંગ ગ્રુપનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સભ્યો દ્વારા વર્ષ દરમિયાન કુલ 24 મીટિંગ થકી આશરે રૂપિયા 20 કરોડનો બિઝનેસ જનરેટ કર્યો હતો. ચેમ્બરનું મુખપત્ર સમૃદ્ધિ મેગેઝીન ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિઓથી માહિતગાર કરાવે છે. સમૃદ્ધિ મેગેઝીનના ત્રિમાસિક 4 અને એક્સપો એડિશન 4 તથા AGM ઇસ્યુ સહિત કુલ 9 પ્રકાશનો આ વર્ષ દરમિયાન પ્રકાશિત થયા છે. ચેમ્બરનું મુખપત્ર સાથે સાથે ઇન્ફોઝાઇન બહાર પાડવામાં આવે છે. આ વર્ષે ન્યૂઝ ફ્લેશ થકી ઇન્ફોઝાઇન બાઇટના માધ્યમથી માહિતીનો સ્ત્રોત અવિરત ધબકતો રહ્યો છે. ચેમ્બરની લેડીઝ વિંગ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ, વર્કશોપ તેમજ અન્ય કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વુમન એન્ટરપ્રેન્યોર સેલ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ સેમિનાર તથા અન્ય કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટમાં વધતા જતા કેસનું ભારણ ઓછું કરવા માટે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા સંચાલિત કાયમી સમાધાન પંચની પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ સરસ રીતે કાર્યરત રહી છે. આ માટે કાયમી સમાધાન પંચના તમામ સભ્યોને અભિનંદન. નિકાસકારોને પ્રમાણિત કરવા માટે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કુલ 2,116 સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન આપવામાં આવ્યા હતા. મહાનુભવો ચેમ્બરની મુલાકાતે, જેમની મુલાકાતથી ચેમ્બર ગૌરવાન્વિત થયું છે, એવા માનવંતા મહેમાનોનો ચેમ્બર અંતકરણપૂર્વક આભારી છે. ભારત સરકારના કેમિકલ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર અને હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેરના માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવીયા, ભારતના કેન્દ્રીય મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, દેશના ટેક્સટાઇલ એન્ડ રેલવે રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, સાંસદ તેમજ ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલજી, ગુજરાત રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત, ગુજરાતના વન અને પર્યાવરણ તેમજ ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રી શ્રી મુળુભાઈ બેરા, ગૃહ અને ઉદ્યોગ મંત્રી રાજ્યકક્ષા શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી રાજ્યકક્ષા શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય સલાહકાર શ્રી હસમુખભાઈ અઢિયા, સુરતના મેયર શ્રીમતી હિમાલીબેન બોઘાવાલા, સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન શ્રી પરેશ પટેલ, ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરી સુશ્રી રચનાબેન શાહ, જોઇન્ટ ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરી સુશ્રી પ્રાજક્તા વર્મા, ડેપ્યુટી ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરી સુશ્રી રીચા ગુપ્તા, ટેક્સટાઇલ કમિશનર સુશ્રી રૂપરાશી, એડિશનલ ટેક્સટાઇલ કમિશનર SP વર્મા, ટેક્સટાઇલ કમિશનર ઓફિસના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર જનરલ સુશ્રી ઉષા પોલ, GPCBના રિજનલ ઓફિસર ડોક્ટર જિજ્ઞાસાબેન ઓઝા, મુંબઈ સ્થિત અમેરિકાના કાઉન્સલ જનરલ માઇક હેન્કી
काउंसलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया आगुसी पी साप्तानो, इजिप्त ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ना एक्सपोर्ट काउंसिल जनरल मैनेजर अने कॉटन इजिप्त फेडरेशन ना एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद शुमन, रोटरडम मेयर ऑफिस ना हेड मार्टिन हुकेंस तथा इंटरनेशनल एडवाइजर इसमे केओस, चीफ रिजिलियंस ऑफिसर एंड रोड मोलिनार अने कॉर्जन गेब्रांड, अमदावाद ना डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री ए आर गोखे, बोर्ड सूरत ना इनकम टैक्स ऑफिसर श्री जी एच परमार, सूरत ना इनकम टैक्स ऑफिसर श्री वल्लभ राजन, सूरत ना पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर, सूरत ना भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर श्री बंछा निधि पानी, सूरत ना म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती शालिनी जी अग्रवाल, जिला उद्योग केंद्र सूरत ना जनरल मैनेजर श्री एम के लादाणी, जानीता नाट्यकार तेमज पद्मश्री श्री यजदी भाई करंजिया, गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना प्रमुख श्री पथिक पटवारी, CMAI ना प्रमुख श्री राजेश मसंद तेमज चीफ मेंटर श्री राहुल मेहता, सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ना डायरेक्टर श्री कार्तिकेय सारा भाई, इसरो अमदावाद ना डायरेक्टर श्री निलेश भाई देसाई वगैरह चेंबर ना कार्यक्रम में पधार्या हता। तदुपरांत सेमिनार अने वेबिनार ना माध्यम द्वारा 500 थी वधु वक्ताओं पोताना ज्ञान नो लाभ आप्यो हतो। तो आ हता वर्ष दरमियान प्रमुख श्री हिमांशु भाई बोडावाला नी दोरवणी हेठळ चेम्बरे प्राप्त करेली सफळताना लेखाजोखा। मित्रों, आपणे जोयुं के प्रमुख श्री हिमांशु भाई अने तेमनी टीमे आखा वर्ष दरमियान उदाहरणीय काम कर्युं छे, तेनी प्रशंसा नामांकित व्यक्तिओ पण पोताना अनुभवे करी छे। आओ आपणे तेमने पण सांभळीए। हिमांशु भाई बोडावाला चेम्बरना एक वर्षना कार्यकाळ दरमियान मैं तेमने कोई भी काम माटे ना कहता सांभळ्या नथी। हकारात्मक विचारधारा ता लोको मने खूब गमे छे, तेमाना एक छे आपणा हिमांशु भाई। हिमांशु भाई ना कार्यकाळ दरमियान ओछामां ओछी 250 कार्यक्रमो एक वर्ष दरमियान एनी हार माळा एमणे सरजी छे अने तेनाथी हकारात्मक वातावरण सर्जायेलुं छे। આ એમની કાર્યકુશળતાનો નમૂનો છે। સુરત ન કેવલ ગુજરાત કા પરંતુ ભારત કા ભી એક મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક ઓર વ્યાપારિક કેન્દ્ર હૈ। સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કી ઇસ ક્ષેત્ર કે વિકાસ કે લિયે ઓર સુરત કી સમૃદ્ધિ કે લિયે બહોત બડા યોગદાન હમેશા રહા હૈ। પિછલે એક વર્ષ મેં પ્રમુખ કે રૂપ મેં શ્રી હિમાંશુ બોડાવાલા ને જો કામ કિયા હૈ વો बहुत नोंदपात्र रहा है। पुलिस का और चैम्बर का एक मधुर संबंध भी रहा है और शहर की प्रगति, शहर की शांति, कायदा व्यवस्था के लिए भी चैम्बर ने हमेशा बहुत सहकार पुलिस को भी दिया है और पुलिस की ओर से भी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हर तरह का जो भी सहकार चाहिए वो सहयोग मिलता रहा है। दिस इज टू रियली थैंक हिमांशु बोडावाला एंड साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री for the collaboration with the Center for Environment Education and the United Nations Environment Program in looking at circularity in textiles in the Surat cluster. This is such an important program and it needs to be led by the Chambers of Commerce in each city, in each place, and I think this has been a wonderful occasion on which Godavala, and we wish him well. And we look forward to the future leadership for taking this program forward. Himanshu bhai na karyakal darmiyan temna sannishth prayaso the chambers of commerce sathe amare srk knowledge foundation banne sansthao sathe maline bahu badha karyo karya। એનો મને અનહદ આનંદ છે। આ હિમાંશુભાઈને આપણે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં ખૂબ યશ કીર્તિના માલિક બનો અને ભગવાન લાંબુ આયુષ્ય સાથે સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી ભરપૂર રાખે, હેલ્થ અને વેલ્થ તગડી રાખે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના। ધન્યવાદ। સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ये एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं सभी तरीके के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं ये संस्था अपना कार्य बखूबी
एक बेहतरीन रूप से करती आ रही है। तरह तरह के जो इंडस्ट्रीज़ को सेमिनार का जो ये प्रोग्राम करते हैं, भले वो टेक्सटाइल के लिए हो, कभी एनवायरनमेंट के लिए हो, कभी आईपीओ के लिए हो, कभी डायमंड के लिए हो, कभी किसी अन्य उद्योगों के लिए हो, हमने देखा है कि चैम्बर हमेशा अपनी भूमिका एक बड़े भाई के रूप में निभाता चला आ रहा है। और इसी तरीके से आगे भी मेरी यही उम्मीद है कि चैम्बर में काम करने वाले जो भी पदाधिकारी आएंगे, इस तरीके से इस संस्था की गरिमा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।